हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ विजया और आप देख रहे हो विजयास क्रिएटिव गार्डन। दोस्तों, हम लोग के जो गुलाब है इसने गर्मी को तो झेल लिया है, अब इसके अच्छे दिन आने वाले हैं। लेकिन इतनी जल्दीबाजी मत करिएगा, बरसात अभी इसको बितानी है। बरसात में अगर आपने थोड़ी सी भी लापरवाही इसके संग कर दी तो आपके गुलाब को मरते देर नहीं लगेगी। तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है कि आपका जो गुलाब का पौधा है, रोज़ प्लांट, ये अच्छा चलता रहे। एक तो सबसे पहले आप ध्यान रखना कि गुलाब के पौधे को ना तो बहुत कम पानी चाहिए और ना बहुत ज़्यादा चाहिए। इसकी मिट्टी हल्की सी मॉइस्ट हर टाइम बनी रहे। तो इसके लिए आप जो है, अब देखिए बरसात का समय है तो पानी तो बरसना ही बरसना है, तो इसको आप ऐसी जगह पर रखो जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश का पानी ना लगे। चाहे नहीं तो आप पॉलीथिन वगैरह से भी कवर कर सकते हैं इसकी मिट्टी को, कि ओवर वाटरिंग से बचा रहे। दूसरी चीज़ आप ये देखना कि जैसे पौधे जो हैं गर्मियों में तो हम लोग थोड़ा कम ध्यान दे पाते हैं, तो जितनी भी जंगली पौधे घास जमा है इन सबको हटा दें। सूखी पत्तियां जितनी भी हमारे इसमें पड़ी हैं गमले में, इन सबको क्लियर कर दें ताकि प्लांट की सरफेस जो है साफ़ हो जाए। ये बॉटल हमने गर्मियों में रखी थी लगा करके, इसी में हम पानी डालते थे ताकि जो पानी डालें वो सीधे जड़ों को मिले। नहीं तो कई बार पानी डालो तो ऊपर ही टिका रह जाता है, जड़ों को नहीं मिल पाता है। इसके बाद दोस्तों, जो पानी हम लोग का बहुत ज़्यादा बरसात में जम जाता है तो इसको आप हफ्ता भर में, एक वीक में, अगर एक वीक में या 10 दिन में इस तरीके से थोड़ा सा गुड़ाई कर दोगे तो बहुत फ़र्क पड़ेगा। गुड़ाई कर देने से क्या होता है, एक तो हवा जो है मिट्टी में अंदर तक जाती है, और जो अधिक पानी की वजह से थोड़ी मिट्टी में पूरे टाइम सौगी सौगी सा होता है ना, तो हवा से वो थोड़ी ड्राई हो जाती है और जड़ों को भी मिलने लगती है, मतलब ऑक्सीजन मिल जाती है। तो अब तीसरे नंबर में ये चीज़ ध्यान रखना कि आपके गुलाब में जो भी सूखी पत्तियाँ लगी हैं, भूरे रंग की, ब्राउन हो गई हैं, चाहे पूरी चाहे आधी, उन सबको हटा दीजिएगा। नई ग्रोथ देखिए शुरू हो गई होगी आपके यहाँ भी गुलाब में, नई भी हो रही होगी तो कुछ दिन में हो जाएगी, तो सारी सूखी पत्तियों को हटा दीजिए। अगर कोई सूखी पतली टहनी लगी हुई है, देखिए सूखी पतली टहनी हम बता रहे हैं, तो उसको भी हटा सकते हैं। लेकिन कटिंग बिल्कुल मत करिएगा, हरी टहनियों को बिल्कुल मत काटिएगा, क्योंकि अगर इस समय बरसात में आपने अपनी हरी टहनियाँ काट दी तो गुलाब को मरते देर नहीं लगेगी। तो कई बार डाई बैग भी हो जाता है, जो टहनियाँ भूरी भूरी होकर पूरी ख़राब होने लगती हैं। डाई बैग से कैसे रोकथाम करी जाए, इस पर मेरा एक अलग से वीडियो बना है, उस बात को मैं डिस्कस नहीं करूँगी, उसका लिंक मैं डाल दूँगी, आप देख सकते हो। तो देखिए, मैंने इस बात को रिपीट कर रही हूँ कि गुलाब की कटिंग मत करिएगा। प्रूनिंग कर सकते हैं, पतली पतली टहनियाँ हटा सकते हैं जो सूखी हुई हैं वो। फोर्थ नंबर में टिप है कि अब इसको आप फर्टिलाइज़र दीजिए, क्योंकि जो जून में हम लोगों ने कोई फर्टिलाइज़र इसमें नहीं डाला था, ऐसे ही चल रहा था, तो आप इस केस में बर्मी कंपोस्ट भी डाल सकते हैं और गोबर खाद भी। हम जो हैं गोबर खाद डाल रहे हैं क्योंकि गोबर खाद में नाइट्रोजन ज़्यादा होता है, जो कि इस प्लांट की पत्तियों के ग्रोथ के लिए अच्छा रहेगा। अब हमें चाहिए कि अपनी ग्रोथ पकड़े, इसलिए हमने गोबर खाद डाली है इसमें। आप इसमें बर्मी कंपोस्ट भी डाल सकते हैं, या आप 15 दिन में कर सकते हैं, 15 दिन में रिपीट कर सकते हैं। यहाँ पर हम बवस्टीन फंजीसाइड पाउडर डाल रहे हैं। आपके किचन में भी ऐसा बहुत आइटम है जो कि आप फंजीसाइड के रूप में डाल सकते हो, वो अभी हम आपको बताएंगे क्या क्या डाल सकते हो। फ्रेंड्स, ये जो है, आप, हमने तो बवस्टीन डाला है, आपके यहाँ जो भी फंजीसाइड पाउडर है वो डालिए। मेरा ये गमला 10 इंच का है, तो 10 इंच में यहाँ मैं 5 ग्राम्स डाल रही हूँ, मतलब 1/4 टीस्पून डाल रहे हैं, 1/4 बिल्कुल थोड़ा सा डाल रहे हैं। मेरी मिट्टी गीली है इसलिए मैं ऐसे ही पाउडर डाल रही हूँ, आपकी मिट्टी सूखी है तो इतने ही पाउडर को, 5 ग्राम पाउडर को 1 लीटर पानी में भिगो करके डाल सकते हैं, तो ये है कि पूरा ये मिट्टी में मिल जाएगा। अभी बारिश होने वाली है, थोड़ी देर बाद ये पूरा जो फंजीसाइड पाउडर है मिट्टी में मिल जाएगा हमारे। ये आप जो है करके 7 दिन में रिपीट कर सकते हैं, दोबारा भी दे सकते हैं। इसके बाद अगर किचन का आप आइटम की बात कर रहे हो, तो किचन में हमारे
काली मिर्च है, हल्दी है या दालचीनी पाउडर है, ये आप आधा आधा चम्मच छोटा चम्मच डाल सकते हैं। और नहीं तो हींग जो आती है ना, हींग भी आप 1/4 5 ग्राम्स डाल सकते हैं। अब जो है हम नीम ऑयल का भी यूज़ करेंगे। वैसे तो बबस्टीन से भी स्प्रेस भी कर सकते हैं, लेकिन नीम ऑयल है मेरे पास तो यूज़ कर रहे हैं। ये हमने ऑनलाइन मंगवाया, हमारे यहाँ लोकल मार्केट में मिलता नहीं है नीम ऑयल, तो हम यही यूज़ करते हैं ऑनलाइन मंगवा करके। तो हमने फ्रेंड्स 1 लीटर पानी लिया है, उसमें हम 5 मिलीलीटर आधा छोटा चम्मच समझ लीजिए वो हम इसमें नीम ऑयल मिला रहे हैं। नीम ऑयल जो होता है ये पेस्टिसाइड और फंजीसाइड दोनों का ही काम करता है, हर गार्डनर के पास ये तो होना ही चाहिए। इसके बाद कोई भी लिक्विड सोप आप डाल सकते हैं, चाहे तो आप ये डालिए, चाहे आप जो हैंड वॉश आता वो डालिए, नहीं है तो शैम्पू भी डाल सकते हैं। ये हमने 10 ग्राम डाला है, मतलब एक छोटा चम्मच भर के डाला है पूरा। अच्छी तरह से खूब शेक कर लीजिएगा ताकि सब मिक्स हो जाए, और अपने पूरे प्लांट में इसको अच्छे से स्प्रे कर दीजिए ताकि कोई भी फंगस हो, कोई भी कीड़ा मकौड़ा है वो सब मर जाए। ऊपर नीचे अच्छे सबसे करिएगा। और फ्रेंड्स इसके नीम ऑयल का स्प्रे आप हर हफ्ते या फिर एक हफ्ते से लेकर के 10 डेज में कर सकते हैं, और स्पेशली बरसात के समय तो ये ज़रूर करिएगा, क्योंकि बरसात के समय फंगस बहुत ज़्यादा एक्टिवेट रहती है, बहुत तेज़ी से लगती है। मैंने एक वीडियो बनाया था कि गमले में पानी भरने से कैसे रोका जाए, तो वो टिप्स भी आप फॉलो कर सकते हो, लेकिन ओवर वाटरिंग मत करने दीजिएगा। और फंजीसाइड पाउडर डालते रहिए, स्प्रे भी करते रहिए, और गुलाब की कटिंग बिल्कुल मत करिएगा इस समय। फ्रेंड्स जो भी हमने टिप्स बताई हैं ये आप 3 महीने तक सितंबर तक लागू कर सकते हो, अक्टूबर के बाद इसकी केयर टिप्स दूसरी तरह से हो जाती हैं। इसके बाद इसको इस समय आप फुल सनलाइट में रखिए बिना ग्रीन नेट के। फर्टिलाइज़र वगैरह जो है आप 15 दिन में 20 दिन में रिपीट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स पसंद आया हो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए गुड बाय।